गुड इवनिंग, माय नेम इज़ साक्षी एंड मेरा टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। व्हाट इज़ अ क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जब अपन नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, एंड जब अपन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। उसके दो टाइप्स होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और दूसरा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक ही की यूज़ की जाती है दो, मतलब डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट के लिए, और असिमेट्रिक में दो की यूज़ की जाती है, पब्लिक और प्राइवेट। जैसे कि अपन देखते हैं प्राइवेट की का यूज़ एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए किया जाता है, जब सेंडर और रिसीवर के बीच में जब डाटा शेयर करते हैं। देन पब्लिक की बस एनक्रिप्ट करने के लिए होती है, और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की होती है, जिससे अपन शेयर कर रहे हो वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करके वो डाटा डिक्रिप्ट करके देन उसको मतलब देखेगा क्या है उसमें। पब्लिक की ये यूज़ हर जन कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की एक सीक्रेट होती है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं, एकाध अपन ने किसी को मैसेज किया तो अपन उसको एनक्रिप्ट करके सेंड करते काय को, बिकॉज वो अगर अनऑथराइज पर्सन या अगर बीच में किसी को मिल भी गया, अगर उसने खोल के देखा भी तो उसको देखेगा ज़रूर, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। एक ऐसा कोड अपन अपने हिसाब से, मतलब वो सिर्फ रिसीवर या अपन दोनों ही समझ सकते हैं, ऐसा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, मतलब उसको एनक्रिप्ट करके सेंड करेंगे। देन वो उसके पास जब जाएंगे रिसीवर के पास, तो वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करके देन उसको डिक्रिप्ट करेगा, और देन उसको वो मैसेज मिल जाएगा जो अपन ने सेंड किया है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने एक मैसेज सेंड किया उसको एनक्रिप्ट करके रिसीवर का पब्लिक की यूज़ करके, देन वो बीच में कोई भी मिलेगा तो उसको वो मैसेज समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो एक कोड में होगा, और देन उसके बाद वो रिसीवर के पास जब जाएगा तो वो डिक्रिप्ट करके अपना, मतलब अपना जो रियल मैसेज है वो उसको मिल जाएगा। बस यही होता है क्रिप्टोग्राफी और कुछ नहीं। थैंक यू।